हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज मैं जिस देश की आपको सैर कराने वाला हूँ, वो देश दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है। लेकिन इस देश में तेजी से गाड़ी चलाने की गलती कोई नहीं करता, क्योंकि यहाँ का फाइन भरना हर किसी की बस की बात नहीं होती। चूंकि ये सबसे खुशहाल देश है, तो यहाँ के लोगों का इंजॉय करने का भी तरीका अलग ही होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वर्ल्ड फेमस वाइफ केयरिंग चैंपियनशिप खेली जाती है, जो कि एक तरह का इवेंट होता है जिसमें एक हस्बैंड अपने वाइफ को कंधे पर बिठाकर रनिंग करता है, और जो कपल जीत जाता है उसे उसकी वाइफ की वजन की ही जितनी बियर फ्री में मिलती है। वाह भाई, सही है, यानी जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा काम है। दोस्तों, अगर इस देश को झीलों का शहर भी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लगभग 2 लाख झीलें हैं। अगर आपको है रॉक म्यूजिक से प्यार, तो ये देश आपके लिए ही है मेरे यार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोगों के बीच में रॉक म्यूजिक बहुत पॉपुलर है। कहते हैं यहाँ हर दूसरे घर में एक रॉक स्टार मिल जाता है। क्या बात है भाई। वेल दोस्तों, इतना तारीफ सुनने के बाद आपको तो पता चल ही गया होगा कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको फिनलैंड की सैर कराने ले जा रहे हैं, तो चलिए हमारे साथ डिजिटली फिनलैंड की एक रोमांचक सफर पर। सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ फिनलैंड है, जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट में है, जिसके वेस्ट में स्वीडन है, तो वहीं ईस्ट में रूस, नॉर्थ में नॉर्वे है, तो साउथ में गल्फ ऑफ फिनलैंड है। दोस्तों, फिनलैंड देश की जनसंख्या है सिर्फ 55 लाख, जो कि दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले देश की सूची में 116वें नंबर पर आती है। यहाँ पर 86% लोग शहर में रहते हैं, जबकि मात्र 14% लोग ही गाँव में। दोस्तों, हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी शहर है, जिसे ब्लू सिटी भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको भी है कॉफी से प्यार, या फिर आपको है बात बात पर एक कप कॉफी हो जाए बोलने की आदत, तो आप फिनलैंड में बहुत इंजॉय करने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोगों के बीच कॉफी पीना मानो पानी पीने के बराबर है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन एक आंकड़े के मुताबिक फिनलैंड का एक बंदा एक साल में कम से कम 12 किलो कॉफी पी जाता है। भाई कमाल है, आप सोच सकते हैं 12 किलो कॉफी खत्म करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। दोस्तों, जब बात होती है कॉफी की, तो दूध भी इस्तेमाल होता ही होगा। लगे हाथ आपको ये भी बता दूं कि फिनलैंड के लोग सबसे ज्यादा दूध खत्म करने वाले देशों की सूची में आते हैं। यहाँ के लोगों में मिल्क पीना बहुत ही कॉमन है। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि फिनलैंड 2019 में सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री वाला देश बना। कहने का मतलब ये है कि यहाँ के लोग बड़े मजाकिया होते हैं। इस देश की खुशहाली की सबसे बड़ी वजह पॉपुलेशन के साथ साथ यहाँ का करप्शन रेट भी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 0% करप्शन है, यानी यहाँ घोटाला नामक बीमारी आज तक प्रवेश ही नहीं किया है। दोस्तों, फिनलैंड में एजुकेशन पूरी तरह से फ्री है। यहाँ किताब से लेकर स्कूल ड्रेस तक सब सरकार देती है, लेकिन पढ़ाई करना हर किसी को अनिवार्य भी है। आपको जानकर खुशी होगी कि जो यहाँ PhD कर लेता है, उसे पूरी शहर के तरफ से शाबाशी दी जाती है। भाई, छोटे देश होने का यही सब तो फायदे हैं। वेल दोस्तों, इस देश में गाड़ियाँ कम और सोनार्स ज्यादा है। आपके मन में ये ख्याल आया होगा कि आखिर ये सोनार्स है क्या, तो आपको बता दूं कि ये एक प्रकार का बॉडी मसाज होता है, जो कि फिनलैंड देश के लगभग हर घर में आपको मिल जाएंगे। यहाँ हाई टेम्परेचर पर बॉडी को ट्रीटमेंट दी जाती है, इसके बाद यहाँ के लोग बड़े ही रिलैक्स और फ्रेश फील करते हैं। क्या आपने कभी इस बॉडी मसाज का ट्रीटमेंट लिया है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। दोस्तों, फिनलैंड देश महिलाओं को कितनी इज्जत देती है, आपको इस बात से अंदाजा लग सकता है कि ये यूरोप का पहला देश बना जहां महिलाओं को पहली बार वोट करने का अधिकार दिया गया। जी हाँ, 1906 से ही फिनलैंड में महिलाएं अपनी मर्जी से सरकार बनाने के लिए वोट कर रही है। वेल दोस्तों, फिनलैंड देश में वैसे भी किसी के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, तभी तो इस देश में क्राइम रेट भी ऑलमोस्ट जीरो है। लेकिन ये जानकर आपको आश्चर्य जरूर होगा कि यहाँ के जेल खाने और सफाई के मामले में दुनिया की बेहतरीन जेल होते हैं। दोस्तों, हमारे देश में आपने देखा होगा कि बच्चा 3 साल का होते ही उसे स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिनलैंड देश में ऐसा नहीं होता। यहाँ 7 साल से पहले कोई भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकता।
यहाँ के सरकार का मानना है कि शुरुआती 7 सालों में ही बच्चे का ऑलमोस्ट डेवलपमेंट होता है, और ऐसे में बच्चों का घर पर ही रहना, दोस्तों के साथ खेलना और मस्ती करना ये पढ़ाई से ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों, इस देश की एक अनोखी बात ये है कि यहाँ सूरज 23 घंटे तक चमकता रहता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ झीलों की संख्या 2 लाख के करीब है, यानी कि यहाँ आपको 2 से 3 किलोमीटर पर एक झील मिल ही जाएंगे। वही वाकई में ये तो कमाल की बात है ना? तो दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कि वो कौन कौन सी जगहें हैं जहां पर आप फिनलैंड में घूमने के लिए जा सकते हैं और अपना बेस्ट टाइम बिता सकते हैं और मस्ती मार सकते हैं। सबसे पहले है लैपलैंड। दोस्तों, ये सबसे ठंडी जगह है और यहां ज्यादातर रात ही रहती है। यहां आप मार्च से लेकर जून तक घूम सकते हैं, क्योंकि इस दौरान यहां मौसम ठंडा और उजाला रहता है। सोमेलिना फोर्ट्रेस। दोस्तों, इसे दुनिया का सबसे बड़ा समंदरी किला कहें तो गलत नहीं होगा। यहाँ अगर आपको एक खूबसूरत सा किला देखने को मिलेगा जो समंदर के बीचों बीच बना है। काउ पाटोरी एंड एस्प्लांडी। दोस्तों, ये फिनलैंड की सबसे अच्छी मार्केट है, जिसे मार्केट स्क्वायर भी कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर देश के सारे लोकल पकवान खाने को मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आपको फिनलैंड देश के लोकल सामान को खरीदना हो तो आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।